दोस्तों मोनेटाइजेशन ऑन हुआ और डिसेबल होगा। और दोस्तों मोनेटाइजेशन ऑन हुए 4 से 5 दिन या 1 हफ्ता हो रहा है और डिसेबल हो गया। दोस्तों मैं इसी बात पर चर्चा करने वाला हूँ कि मोनेटाइजेशन ऑन हो जाने पर फिर डिसेबल कैसे होता है। पूरी वीडियो का अंत तक देखते रहिए दोस्तों, हम लोग कहाँ गलती करते हैं, किस वीडियो किस जगह पर गलती करते हैं कि हम लोग ऑन हुआ मोनेटाइजेशन हुआ दोस्तों। पूरे हम लोग को समय लग जाता है 4000 से घंटा 1000 सब्सक्राइबर पूरा करने, पूरा समय बहुत समय हम लोग लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और हम लोग इससे मेहनत करके सब लोग दोस्तों इतना समय लगा के हम लोग चैनल को किसी तरह मोनेटाइजेशन कराते हैं और चैनल मोनेटाइजेशन होके और ये एक दिन होता है 24 घंटा होता है, ये 1 सप्ताह होता है जैसे मोनेटाइजेशन डिसेबल होता है। ये दोस्तों किस गलती से किस कहाँ हम लोग गलती करते हैं ये पूरी मैं आज की वीडियो में पूरी बताने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सागर वर्मा आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों अभी तक आपने मेरे अभी वीडियो को लाइक नहीं करते, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं हमेशा आपके यूजफुल और नॉलेजफुल तरह के वीडियो लेकर आते रहता हूँ। चलिए दोस्तों मैं आज की वीडियो बिना देरी किए स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों YouTube का एल्गोरिथम हमेशा चेंज होते रहता है, YouTube में हमेशा हर चीज की चेंज होता है। दोस्तों पहले शुरुआत में क्या होता था हम लोग को कि पूरी एक मतलब कभी भी कोई भी वीडियो हम लोग एडसन पे अकाउंट बनाते ही वीडियो हम लोग डालें और मोनेटाइजेशन ऑन हो जाता था और उस पर ऐड आने लगती थी। तो दोस्तों धीरे धीरे कुछ ऐसे चलते रहता, फिर दोस्तों कुछ समय हो गया 10,000 व्यूज चाहिए, फिर 10,000 व्यूज रहेगा तो जाके आपका चैनल मोनेटाइजेशन होता। फिर दोस्तों कुछ चेंज हुआ कुछ समय बाद, अभी चेंज हो गया 1000 सब्सक्राइबर और 4000 का वॉच टाइम। तो दोस्तों 1000 सब्सक्राइबर और 4000 का वॉच टाइम जो होता है आज दोस्तों, जो 1000 सब्सक्राइबर सही है दोस्तों कहीं ना कहीं किसी तरह पूरा हो जाता है, लेकिन जो 4000 का वॉच टाइम होता है दोस्तों यही पूरा करने में बहुत ही समय लग जाता है, बहुत मेहनत लगता है। यहाँ दोस्तों बहुत सी स्ट्रगल करके हम लोग 4000 का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर पूरा करते हैं और किसी तरह हमारा चैनल मोनेटाइजेशन ऑन हो जाता है। दोस्तों मोनेटाइजेशन ऑन होने के बाद होता है कि 1 दिन 2 दिन या 1 हफ्ता कुछ दिन बीतता है और हम लोग मोनेटाइजेशन डिसेबल हो जाता है। क्या हम लोग मोनेटाइजेशन डिसेबल होता है दोस्तों, अब फिर उसमें हम लोग को कितना दुख होता है, कितना महसूस होता है, कितना एकदम लगता है कि हम लोग दोस्तों क्या हम लोग। तो दोस्तों हम लोग गलती कहाँ से करते हैं, मोनेटाइजेशन डिसेबल क्या होता है। दोस्तों हम लोग जो गलती करते हैं मैं आज उसी बात को पूरा बताने वाला हूँ, वीडियो को अंत तक देखिएगा, बीच में छोड़िएगा नहीं। दोस्तों जब हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग का चैनल मोनेटाइजेशन ऑन हुआ होता है तो हम लोग चैनल को हम लोग खुशी इतना खुश रहते हैं कि कुछ हम लोग कोई ध्यान ही नहीं दे पाते हैं चैनल की तरफ की, और हम लोग वीडियो तो अपलोड करते हैं, सब कुछ करते हैं, हम लोग सब कुछ सही करते हैं, लेकिन हम लोग मेन चीज़ हम लोग CTR पर हम लोग फोकस कभी नहीं करते हैं। दोस्तों जिसको CTR के बारे में मालूम होगा वो तो फिलहाल में दोस्तों एक नया बात नहीं रह गया CTR के लेकर, कोई पुरानी बात हो गई, लेकिन जिसको अभी तक जो भी मतलब कि जो 4000 वॉच टाइम 1000 सब्सक्राइबर पूरा करने में जो फोकस किया होता पूरा मन लगा ये चीज़ को उसको ध्यान, बेसिकली बहुत लोग वीडियो देखकर वॉच करके बहुत लोग ध्यान रहता है कि मैं हमको CTR पर भी हमको फोकस करते रहता है ना जब हमारा चैनल। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत में यही करते हैं क्योंकि दोस्तों एक बच्चे की तरह चैनल होता है, अब उसको संभाल के ही रखना पड़ता है। जब नया नया चैनल होता है जैसे नया नया बच्चा छोटा होता है उसी तरह से चैनल को भी हमको संभाल कर रखना पड़ता है कि इसको कहीं हम लोग कहीं गड़बड़ा। तो दोस्तों हम लोग क्या है कहते हैं जब हम लोग चैनल का जब ऐड आने लगता है तो हम लोग कहते हैं क्या है, तो हम लोग खुद के वीडियो को देखना सबसे बड़ी गलती होती है। दोस्तों खुद की वीडियो नहीं देखना चाहिए, ये हम लोग पहले क्लियर कर लीजिए। हम लोग खुद की वीडियो जब देखते हैं तो उससे क्या होता है CTR हाई हो जाती है, CTR हाई होती है तो जिससे हमारा चैनल डिसेबल हो जाने की। और दोस्तों मैं बता दूँ CTR किस चीज से हाई होती है, और दोस्तों मैं पूरी बात को बताने वाला दोस्तों इस पर एक वीडियो भी मैंने अलग से बनाया है, आप लोग वहाँ पर जाकर वॉच भी कर सकते हैं। और CTR दोस्तों यूट्यूब कहता है कि हम अपना वीडियो खुद का नहीं देख सकते हैं क्योंकि हम अपने ऐड पर क्लिक नहीं कर सकते उसकी, क्योंकि दोस्तों रेवेन्यू बढ़ जाएगी उसकी, CTR रेवेन्यू बढ़ जाएगी जिसकी हम लोग कमाई ज़्यादा बढ़ जाती है इसकी वजह से लोग। और दोस्तों दूसरी बात क्या होती है, हम लोग जो होता है वीडियो को हम लोग जब चैनल लाया जब रहता है तो हम लोग ऐड आते हैं, हम लोग क्या करते हैं अपने दोस्तों को फ्रेंड लोग को जाकर हम लोग दिखाते हैं वीडियो को और हम लोग अपने ऐड को ही क्लिक करते हैं। और दोस्तों क्या करते हैं हम लोग अपने खुद से फ़ोन से हम लोग खुद ही के मोबाइल से अपना वीडियो को दिखाते हैं हम लोग, यही हम लोग कहीं दोस्तों बहुत बड़ी गलती करते हैं। दोस्तों हम लोग जब कभी भी हम लोग अपने दोस्तों के ही हम लोग दिखाना कि मेरे वीडियो पर ऐड आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं ये दिखाना है, तो हमें उनके फ़ोन में ही जाके खोलना चाहिए अपने वीडियो को और दिखाना चाहिए कि मेरे चैनल पर वीडियो पर ऐड आ रहे हैं।
और दोस्तों बेट ऐड आते हैं तो देखते, एक तरफ से ये हो गया हम लोग का चैनल डिसेबल, ये दूसरा पॉइंट हो गया कि हम लोग अपना वीडियो को खुद से दिखाते हैं करते हैं, इससे लेकर हम लोग का CTR हाई होता है तो चैनल डिसेबल हो जाता है, तो ये होता है। और दूसरी दोस्तों हम लोग करते क्या है कि मतलब दोस्तों ऐसे कि दोस्तों हम लोग अदर ही अब अदर लोग से दोस्तों हम लोग मानिए हम अपना देखे नहीं, मतलब कि हम अपना वीडियो नहीं देखे, इसलिए अपने दोस्तों के पास हम अपना चैनल अपना अपने मोबाइल में जाकर वीडियो को नहीं देखा है, इतना हम लोग चलिए जान गए, मानिए बात पुरानी है तो लोग सब इतना तक समझ रहे होंगे कि हम लोग इतना करेंगे तो हमारा चैनल डिसेबल हो जाएगा, CTR हो जाएगी। और दोस्तों क्या होता है कि बहुत से ऐसे हेटर लोग होते हैं, हम लोग वीडियो का अब कहते हैं तो हेटर नहीं कर सकते क्योंकि व्यूज हम लोग पर इतना कम आता है, मोनेटाइजेशन और होता है दोस्तों उसमें चैनल नया रहता है तो व्यूज भी बहुत कम आते हैं, जिससे हम लोग को थोड़ा उसमें थोड़ा संभल के चलना पड़ता है। दोस्तों क्या होता है कि जब हम लोग व्यूज आते हैं तो उससे हम लोग क्या होता है कि कुछ लोग उसके वीडियो को बार बार देखने में प्ले बैक करने से बार बार होता है कि ऐड आते हैं, उसी ऐड पर क्लिक कर देने से उसका CTR ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है। CTR हाई हो जाने के बाद इसी चैनल के अंदर डिसेबल होने जैसे 10% से अबव चला जाता है। दोस्तों मैं मैक्सिमम 10% मानता हूं क्योंकि 10% पर भी बहुत लोगों का CTR डिसेबल, लोग कहते हैं 50% तक, लेकिन 50 नहीं यस 10% पर अबव जाएगा तो CTR मतलब कन्फर्म ही है कि चैनल को आपको बहुत ज़्यादा डेंजरस लेवल पे आ गया है ये मान लीजिए, तो वहाँ पे CTR डिसेबल होने मतलब दोस्तों आई मीन एडसन डिसेबल होना ही है, तो आप लोग उस चीज़ को कंट्रोल आप लोग दोस्तों रेगुलर एक काम किया कीजिए, रेगुलर हम लोग को दोस्तों कह सकते थे हम लोग तो हाँ दोस्तों मैं एक बात बताऊँ, कुछ लोग VPN सर्विस का भी यूज करते हैं, VPN सर्विस तो VPN सर्विस क्या होता है कि हम लोग अदर कंट्री के जिससे तो यूज करके VPN सर्विस अदर का यूज करके हम लोग व्यूज उस पर लेते हैं और उस पर ऐड कर देते हैं। दोस्तों VPN से और आप लोग जान रहे हैं कि VPN से अधिक कमाई होती है, रेवेन्यू होती है, लेकिन दोस्तों आप लोग गूगल को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं, दोस्तों सोचते हैं कि हम लोग गूगल को बेवकूफ़ बना के हम लोग ऐसा ज़्यादा रेवेन्यू कर लेंगे तो इस तरह से नहीं हो सकता है, गूगल को सब कुछ मालूम है दोस्तों क्योंकि यूट्यूब जो गूगल का ही है प्लेटफॉर्म, अब वहाँ से आप सोचेंगे कि हम लोग इसे करके VPN सर्विस का यूज करके हम लोग रेवेन्यू ज़्यादा करें तो यूट्यूब से आपसे ज़्यादा सस्ता है दोस्तों, क्योंकि YouTube के जो एल्गोरिथम आपको फिट किया हुआ है, आप जहाँ सोचना दोस्तों सोचते हैं कि हम लोग ये कर लेंगे YouTube इस तरह से आपको हम गूगल को बेवकूफ़ बना दें, दोस्तों ऐसा कभी नहीं होने वाला है, इसको लॉस लीगली यूज कीजिए कि ना कि इनलीगली टाइप पर। दोस्तों मैं सब तरीका से बताऊँ जो ये सब मैं बताया, इस तरीका से आप लोग जो करते हैं गलती करते हैं इस तरीका से सारे तरीका से मोनेटाइजेशन डिसेबल होना और CTR 10% के अब जाना एकदम निश्चित होता है। दोस्तों अभी इसी चीज़ का बहुत ध्यान दीजिए, अपना खुद के वीडियो नहीं देखना चाहिए और देखते दोस्तों सबसे पहले हम लोग को ध्यान देते रहना चाहिए कि CTR अपना रोज का मेंटेन देखते रहना चाहिए, और दोस्तों रोज सुबह शाम कहते हैं दोस्तों मैं दोनों टाइम बोलता हूँ सुबह शाम जरूर चेक कीजिए अपना CTR अपना कितना परसेंटेज तक गया, और दोस्तों कभी लगता है कि आपका CTR 10% के अब जाने वाला तो बस आप दोस्तों कुछ वीडियो का मोनेटाइजेशन डिसेबल मतलब दोस्तों मैं कुछ डिसेबल नहीं करने के बोला बस स्किप वाला ऐड को आप लोग नॉन स्किप वाला स्किप वाला ऐड को बस क्लोज कर देना, बस दोस्तों केवल 24 से 48 घंटे के लिए आप बस उसको क्लोज कर दीजिए, बाकी आप मैं नहीं कर रहा दोस्तों पुराने वीडियो पर जाके आप लोग जाके उसको ही कीजिए, जो आप न्यू वीडियो अपलोड करते हैं उसी का कीजिए, क्योंकि दोस्तों होता है न्यू वीडियो पर मान लो 10-15-20 व्यूज ऐसे आते हैं तो उसको हमको मानो उसका नॉन स्किप वाला स्किप वाला ऐड हमको बंद कर देते हैं तो उसका जो व्यूज होता है पीछे क्लिक होता है उसका मेंटेन हो जाएगा, जिससे दोस्तों आपका CTR मेंटेन रहेगा, आपका चैनल भी डिसेबल नहीं होगा। तो सो दोस्तों आप लोग को पूरी बातें क्लियर आ गई होंगी, समझ में आ गई कि मोनेटाइजेशन डिसेबल होने से कैसे बताएं। तो दोस्तों आई होप दोस्तों छोटी सी जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नया होगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिएगा, दोस्तों मैं इसी तरह वीडियो अपलोड करते रहता हूं। चलिए दोस्तों आज के बस इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।